फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक क्वांट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग इग्नोर मार देते हैं, नंबर सिस्टम। ये जब अपनी क्वांट स्टार्ट होती है तो ये उसका बेस है, इसलिए ये सबसे पहले लिया जाता है। नंबर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आती है, इसका एक सब टॉपिक है रिमाइंडर, जिसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। रिमाइंडर्स की आपको इस तरीके की ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको ऐसा लगेगा कि रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस इतने इजीली सॉल्व होंगे। दोस्तों देखते ही सॉल्व होंगे, मैं आपसे दावा करता हूँ, या 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का। क्योंकि जो मैंने रिसर्च करके इस टॉपिक के बारे में कंटेंट इकट्ठा किया है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको आगे ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे और आपको आप बेफिक्र रहिए, आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। और आपका किसी भी टॉपिक में, इवन क्वांट रीजनिंग, किसी भी टॉपिक में आपका अगर डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, हम उस टॉपिक की अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ रिमाइंडर के बारे में वो बहुत ही रेयर्स बुक में मिलेगा। ये मेरी खुद की रिसर्च है, तो मैं आज आपको रिमाइंडर सब टॉपिक्स के रूप में समझाने वाला हूँ। तो आप समझिए मैं आपको किस तरीके से रिमाइंडर के बारे में आज बताने वाला हूँ। रिमाइंडर का सबसे मेन पर्पज़ होता है, सबसे मेन मोटिव होता है शेषफल का, जो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जनरली आप इसको जानते हैं, लेकिन ये बेस है और हम क्वांट को इग्नोर नहीं कर सकते। हम क्वांट को इस तरीके से नहीं ले सकते कि ट्रिक से सॉल्व कर दिया, 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया। ट्रिक है, लेकिन बेसिक समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आइए मैं बेसिक समझाता हूँ, फिर आपको ट्रिक समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, आप देखिए। दोस्तों हम जानते हैं भाज्य, भाज्य मतलब होता है डिविडेंड। भाज्य मतलब होता है डिविडेंड। ये जो कंटेंट है मैं आपको बेसिक से लेकर चलने वाला हूं। दोस्तों अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूं, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा, फिर हम रिमाइंडर्स के क्वेश्चन आगे फर्दर करेंगे। बेसिकली ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको फोकस करिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। भाजक मीन्स होता है डिवीजर, डिवाइजर, क्वेटियन, भागफल होता है क्वेटियन, और शेषफल होता है जिस पे अपना ये टॉपिक बेस है पूरा, रिमाइंडर। देखिए दोस्तों ये अपना एक फॉर्मूला है जो कि पूरा रिमाइंडर्स जो थ्योरम चलेंगी अपनी, जितनी भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा सारे इस फॉर्मूले पे बेस हैं, और बेस मैथमेटिक्स का, क्वांट का बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको फॉर्मूले को अपन जनरली समझने वाले हैं। देखिए जैसे मैं करता हूँ 25/4, 25/4 किया मैंने, तो ये मेरा क्या है भाज्य, ये मेरा भाज्य है और ये मेरा है भाजक। देखिए दोस्तों ये मेरा भाज्य है जिसको मैं डिविडेंड बोलता हूं, और ये मेरा भाजक है जिसको मैं डिवाइजर बोलता हूं। डिवाइजर वो है जिससे भाग दिया जाता है, दोस्तों डिवाइजर वो है जिससे भाग दिया जाता है, भाजक वो है जिससे भाग दिया जाता है। यहां भाग किससे दिया गया है दोस्तों, 4 से दिया गया है, 4 अपना भाजक है दोस्तों, 25 अपना भाज्य है दोस्तों, इसको बोलते हैं डिविडेंड, 25 अपना भाज्य है दोस्तों। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपन जानते हैं 4 6 24 होता है, 4 6 24 होता है, तो 6 अपना आने वाला है भागफल, 6 क्या होगा अपना
भागफल, इसको बोलेंगे दोस्तों क्वोटिएंट, इसको दोस्तों बोलेंगे क्वोटिएंट। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों आपको रिमाइंड हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों 25 डिवाइडेड बाई 4 किया है, क्यों किया है? क्योंकि ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है दोस्तों। डिवाइजर भाजक से भाग दिया जाता है, भाजक से भाग दिया जाता है तो 25 भाज्य हो गया। इसको 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा, भागफल आएगा क्वोटिएंट प्लस 1। रिमाइंडर, जो आज हमारा टॉपिक बेस है, जो एक रिमाइंडर है उस पे बेस है। अब मैं आप इसको, ये बहुत बेसिक चीज है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे हर तरीके के सब्सक्राइबर हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा बेस लेके चल रहा हूं। फिर आप बना आगे और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं सेशन को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। आप देखिए, ये मैं आपको एक बार फर्दर समझा देता हूं कि भाज्य, अपना भाज्य क्या था? भाज्य था 25 ले लिया भाज्य इज इक्वल्स टू इस फॉर्मूले में, इस चीज को मैं इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, भाजक, भाजक डिविजर अपना क्या था? डिविजर था अपना 4, 4 डिविजर अपना 4, डिविजर 4 था, मल्टीप्लाई बाई भागफल, भागफल क्यूटीएंट क्या था दोस्तों? क्यूटीएंट था 6 आया, 4 6 24 6 आया क्यूटीएंट। देखिए दोस्तों फटाफट देखिए, 4 6 24, अब शेषफल कितना बचा है? 1, रिमाइंडर अपना 1 है तो इज इक्वल्स टू 25, LHS बराबर RHS, ये हमने प्रूफ कर दिया है दोस्तों। ये फॉर्मूला इस तरीके से निकलता है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस होंगे। बेसिक जरूरी है क्वांट का दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक से चलेंगे और ट्रिकी बनाएंगे क्वेश्चंस को, जिससे अपन 2 या 3 सेकंड्स में क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको सीधे फैक्ट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, देखिए जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं कंटेंट लाया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जो मैं जितना भी कंटेंट लाया हूँ आज, जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ उनको आप अच्छे से नोट करिए और अच्छे से अपनी नोटबुक बनाइए, क्योंकि ये बेसिक है अपना, और मैं आज इसको आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस SSC में डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं, उसी के टाइप का मैंने क्वेश्चन बनाया है, और CDS का एग्जाम हुआ, किसी भी फर्दर, देखिए क्वांट है, नंबर सिस्टम हर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का एक फेवरेट टॉपिक माना जाता है, हर किसी लेवल की क्वांटिटिव का एक फेवरेट टॉपिक माना जाता है। कैट का लेवल हो, CDS हो, किसी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको चाहता हूं कि हम अब अगर क्वांट स्टार्ट कर रहे हैं तो जो अपना बेस है रिमाइंडर उसको अच्छे से अपन कवर करें। ओके, तो मैं आपको आज हर जो चीज रिमाइंडर में होती है वो आपको ट्रिक में बताने वाला हूं। देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको 2 सेकंड में इसका आंसर आपको लाऊंगा और आपको तरीका बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को नोट किया होगा, अब मैं इसका आपको आंसर बताता हूं बाय ट्रिक। अपन इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा इसमें अपन दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। देखिए अगर अभी कोई अपन को कोई भी नंबर दे रखा है, अभी तो यहाँ पे नंबर दे रखा है 7 8 9 7 9 8 6 7 8 4 9 7 8 5 को 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 10 0 1 0 प्राप्त होता है, तो पूर्ण शेषफल ज्ञात कीजिए। नंबर 7 8 9 7 9 8 6 7 8 4 9 7 8 5 आर डिवाइडेड बाय 19, रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली आर 10 0 1 0, फाइंड द टोटल रिमाइंडर। दोस्तों हमें पूर्ण शेषफल ज्ञात करना है, तो इसका सीधा सा ट्रिक है, टोटल रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, दोस्तों बस सीधा सीधा करना है। आप सोचिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, बेसिक से अगर करने लग गए तो हर किसी को 19 से डिवाइड करने पर ये शेषफल आने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। टोटल रिमाइंडर के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बेसिक मेथड बताता हूं इसका, बेसिक मैंने आपको बता दिया है, सॉरी बेसिक मैंने आपको क्या बताया कि सबको जोड़ोगे तब 19 से डिवाइड करोगे, कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों आप जान सकते हैं कि सबको जोड़ना है फिर 19 से डिवाइड करना है, बहुत ही ट्रबल वाला काम है, और इस ट्रबल को मैं आपको 2 मिनट में खत्म करने वाला हूं, 2 सेकंड में खत्म करने वाला हूं। देखिए सबके रिमाइंडर को आप प्लस कर दीजिए, जितने भी रिमाइंडर है सबको प्लस किया, 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0। ओके दोस्तों देख सकते हैं इनका सम करने पर क्या आने वाला है, अपना सम करने पर आने वाला है 11। बस जो ये 11 आया है ये अपना टोटल रिमाइंडर को, ये 11 अपना टोटल रिमाइंडर, ये अपना सम आया है जो सारे रिमाइंडरों का जोड़ने पर
इसको 19 से जिससे दे रखा है उसी से डिवाइड करना है दोस्तों, जिससे दे रखा है उसी से डिवाइड करना है। बोला ये 19 से डिवाइड करना है तो 19 से डिवाइड करना है, 23 से बोला होता तो 23 से डिवाइड करते, अगर कुछ भी बोला होता एनी हाउ किसी भी तरीके से कोई भी नंबर बोला होता तो उससे डिवाइड करते दोस्तों। अब अपन जानते हैं सारे रिमाइंडरों का सम किया मैंने, इसके बाद 11 आया उसको 19 से डिवाइड किया दोस्तों, सबका सम किया जितने भी शेषफल मेरे को प्रत्येक संख्या से प्राप्त हो रहे थे मैंने सबका सम किया उसको मैं 19 से विभाजित करूंगा तो हमारा शेषफल आ जाएगा 11। अब मैंने इसमें भी कुछ ट्रिकी लिया है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि मेरा शेषफल 11 आया। लोगों को कुछ को डाउट होता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए अपन जानते हैं 1/2 करेंगे तो 0.5 आता है और शेषफल कितना आएगा, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं आपको सीधे सा बेसिक बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है, नए बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे 2/2 होता है, इसको 1 बोलते हैं, ठीक है 1 होता ही है, 1 बोलते क्या है, 4/2 होता है 2, ये अपन 2 का डिवाइड कर रहे हैं इसमें। अगर इजीली अपन को ये बोला जाए 1/2, तो अब इसके पूछ रिमाइंडर क्या होगा, इसका भागफल जो मैं आपको पहले फॉर्मूले में बताया था जो क्वेटिएंट होता है, इसका 0 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार इसका भाग जाने वाला है, प्लस शेषफल आने वाला है इसका 1 दोस्तों, शेषफल आने वाला है इसका 1। शेषफल वही संख्या आती है जो ऊपर होती है अगर उस नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में पूरा पूरा भाग ना जाए तो। जिस तरीके से मैंने बोला है 11 अपॉन 19 में 19 का 11 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये पूरा प्योरली डिविजिबल नहीं है, तो मैं इसका शेषफल मैं क्या लेने वाला हूँ 11। अब मैंने आपको ये बता दिया इसका शेषफल 11 आएगा, ये कैसे आया इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ाएंगे उसका सबसे वाली बात है टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, लेकिन उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है दोस्तों। शेषफल कैसे निकालेंगे मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, और मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आता है। देखिए जो शेषफल का कंटेंट होता है यहाँ पे अपन को रिमाइंडर से मतलब है अपन को यहाँ पे 11। अब यहाँ पे 11 है, अब हम देख सकते हैं 19 का 11 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ओके दोस्तों, दिख रहा है आपको 19 का नहीं जा रहा है। देखिए अगर मैं इसमें 19 ऐड कर दूँ, हमें रिमाइंडर से मतलब है दोस्तों, ध्यान रखना, 19 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 30 हो गया दोस्तों, देखना 30 हो गया। अब मैं भागफल की बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें तो जीरो बार भाग जा रहा था, मैंने आपको यहां पे लिख के बताया था उसमें जीरो बार भाग गया था, तो जीरो बार। अब इसमें मैंने 19 ऐड किया है, क्यों किया है, क्योंकि आगे फर्दर नंबर अपन को रिमाइंडर तो सेम ही रहने वाला है। देखिए 19 का भाग दिया है मैंने तो 19 वन 19, रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, देखिए रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 11। तो वही बेसिक है, इसमें तो भाग चला गया 19 का 30 में भाग चला गया, इसलिए 1 बार इसका भागफल आ गया, इसका क्वेटिएंट आ गया 1, क्वेटिएंट आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 11। वही चीज थी, यहां पे भाग नहीं जा रहा था दोस्तों, भाग नहीं जा रहा था तो 0 बार जाएगा, 0 बार इसका 0 इसका क्वेटिएंट होगा, भागफल इसका 0 होगा और रिमाइंडर इसका 11 होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप इसको बेसिकली समझें, क्योंकि जो आगे ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको चुटकी में सॉल्व कराने वाला हूं मैं, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मैं आशा करता हूं, और मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। ओके दोस्तों, ये अपने 2 क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली पिछले सालों में SSC CDS के एग्जाम्स में आए हुए रिमाइंडर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूँ। ये आपको शायद कहीं मिले क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क है और मैंने इसका ट्रिक निकाला है अच्छे से कि किस तरीके से हम किसी भी पावर में हो तो उसका किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर अपन शेषफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से दिमाग में लगा लीजिए, ये क्वेश्चन डिटो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको 2-2 सेकंड्स में आप क्वेश्चन करेंगे अगर इस चीज को समझ लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं इन दोनों के क्वेश्चनों के किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स देखिए 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 है,
तो हमें रिमाइंडर निकालना है। अब अगर 7 की फॉर्म 7 करने बैठ गए दोस्तों तो पेपर खत्म हो जाएगा अपना, और अपन से क्वेश्चन सॉल्व हो तो जाएगा लेकिन पूरा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि 7 की पावर 7 करने बैठ गए एंड सोन, तो फिर डिवाइडेड बाई 4 करना, उसका डिवाइड करो 4 से फिर रिमाइंडर निकालो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। अब मैं आपको इसका बेसिक ट्रिक बताने वाला हूँ कि जो इसकी पावर होती है ना, आप इसको ध्यान से समझना दोस्तों, जो इसकी पावर होती है, पावर क्या है दोस्तों, पावर है इसकी 7। जो नंबर, किसी भी नंबर की जो पावर होगी 7, उसको एनी मतलब कोई भी नंबर हो उसको 4 से डिवाइड करना है दोस्तों। ये मेरा ट्रिक है कि कोई भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करना है दोस्तों। बस आपको इसको 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 4 एकम 4, ये तो भागफल है, भागफल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टॉपिक क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर आ गया अपना 3। रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। इजीली हमने गेट प्राप्त किया है रिमाइंडर, तो 7 को पावर को 4 से डिवाइड करना है कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ तो चलो मैंने 4 ही ले लिया था कि संख्या को 4 से डिवाइड करने वाला लिया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। कोई भी पावर हो यहाँ पे चाहे 79 होता, 74 होता, यहाँ भी 15 है, 15 को 4 से ही डिवाइड करेंगे। ओके दोस्तों, पावर को 4 से ही डिवाइड करना है दोस्तों, और जो रिमाइंडर आएगा उससे अपन आगे काम करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, और यही जो मेथड है, यही जो ट्रिक है, मैं यूनिट डिजिट्स के नंबर सिस्टम का, यूनिट डिजिट का एक टॉपिक लेने वाला हूँ, उसके बेस्ड अपन सिंप्लीफिकेशन भी करने वाले हैं। आपको मैं बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आगे यूनिट डिजिट्स के, तो उसी पे बेस्ड रहेगा। आगे अपन चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 7 की पावर 7 को अपन ने रिमाइंडर कितना आया, 3 आया अपना। तो अब अपने पास 7 की पावर 7 लिखने का कोई मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर आया उसको दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, मैं फिर इसको रब करने वाला हूँ दोस्तों। देखा हमने, जब पावर को हमने डिवाइड किया, 7 को हमने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि पावर को 4 से ही डिवाइड करना होता है। जब 7 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, क्योंकि रिमाइंडर ही अपना मेन होता है, तो रिमाइंडर अपने 3 लिया दोस्तों। रिमाइंडर क्या लिया, 3। तो अब पावर को हम 3 में रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पावर को आसानी से 3 में रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 करना है। अब अपन जानते हैं 7 का क्यूब 343 होता है दोस्तों, अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो इसका रिमाइंडर आएगा वो अपना आंसर होगा। 7 की पावर 7 का झंझट खत्म करके 7 की पावर 3 का प्रॉब्लम बना दिया है दोस्तों। देखिए किस तरीके से अब आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो अपन 4 8 32, आगे 2 कैरी गई 23 बन गया, तो 4 4 5 20, ये तो आ गया इसका भागफल, लेकिन हमें भागफल तो नहीं चाहिए, क्वेश्चन तो अपना शेषफल का है दोस्तों। तो अपना रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3, ये अपना आंसर है दोस्तों। समझिएगा दोस्तों, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि किसी भी नंबर की अगर पावर दे रखी हो और किसी भी नंबर से आपको डिवाइड करना हो, तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है। मेरा क्या कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है, जो उसके बाद रिमाइंडर आएगा वो उसकी रियल पावर होगी। चाहे अपने पास पावर 459 ही क्यों ना हो, 459 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 वन ज़ा 4, कैरी आगे गया 19 बन गया, 4 चौक 16, फिर कितना आया, 3 आया। ऐसा नहीं है 3 आएगा, ये तो किस्मत वाली बात है, फिर से 3 आ गया। रिमाइंडर जो 3 बचा है वही आएगी। अब देखिए 4 4 5 9, जिस किसी भी नंबर की पावर अगर 4 5 9 भी होती तो भी अपन 7 की घात 3 ही लिखते, किसी भी नंबर की पावर अगर 4 5 9 होती तो किसी भी नंबर की पावर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आता 3, उसी वो ही लिखते, तो 4 का जो अपना काम था वो अपना खत्म हो जाता। ठीक है, इतना ईजी मैंने बना दिया इस क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप भी इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को करिए जिस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से क्वेश्चन है 7 की पावर 15, मैंने आपसे क्या बोला था, शेषफल निकालना है, अपन को जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में भी टाइम नहीं होता और मैं यहाँ भी आपको टाइम नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, अपन को फटाफट करना है। किसी की पावर हो, पावर से अपन को खेलना है, पावर का डिवाइडेड बाई 4 किया, क्या आया, 4 तिया 12, भागफल है ये तो 12 4 तिया 12, शेषफल कितने आ जाएगा, 3, शेषफल फिर से 3 आ गया अपने पास, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 3।
तीन, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, तीन। हाथ क्या था आप भी सॉल्व करते जाइए, चार या बारह, बारह पंद्रह में से बारह गए तो तीन, रिमाइंडर तीन आ गया दोस्तों। अब पावर कितनी रह जाएगी, पंद्रह की बजाय पावर रह जाएगी अपनी, पंद्रह की बजाय अपन को तीन रिप्लेस करना है दोस्तों। सात की पावर तीन, पावर सात की पावर तीन रह गई, फिर से पांच से डिवाइड करना है दोस्तों, फिर से पांच से, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि सात की पावर पंद्रह को पांच से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। अब सात की पावर तीन तो अपन जानते हैं क्यूब 343। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्यूब की भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाना है वो मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप मुझे मोटिवेशन दीजिए अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट हैं उनको मेरे को भेजिए, मैं आपको जो भी टॉपिक आपको चाहिए, आपका जो भी टॉपिक वीक है उसके लिए वीडियो लाऊंगा, आप बस मेरा सपोर्ट करिए। देखिए दोस्तों, फाइव से डिवाइड करने वाले हैं इसको अपन, पाँच की तीस, चार पनट्ठे चालीस, फिर रिमाइंडर आ गया, ये अपना भागफल है जैसा कि हमने डिवाइड किया 68 बार गया है, और फिर से अपना रिमाइंडर आ गया तीन, तो अपन ने जो शेषफल निकालना था उसका आंसर आ जाएगा थ्री, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए थ्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आसानी से हमने निकाल लिया, दो सेकंड का काम है दोस्तों, फटाफट अपन को क्वेश्चंस करना है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप क्वांट की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो दिमाग आपको, अपना पेशेंस और दिमाग दोनों ही आपको कंसंट्रेट रखने होंगे, और इस चीज़ के लिए ट्रिक्स जो मैं आपको लाऊंगा वो आपके मोटिवेशन देंगे आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है। मैं आगे अगले क्वेश्चंस पे चलता हूँ, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, और मैं आगे जो आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ वो आप मतलब देखते ही आंसर लगाएंगे, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मेट लाया हूँ क्वेश्चंस का, रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस का फॉर्मेट लाया हूँ, रिसर्च करके बहुत सारा कलेक्टिव मटेरियल मैंने बनाया है। देखिए दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपका पहले वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, अपन इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। 3 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 5, समझ में आ रहा है दोस्तों, 3 की पावर 19 को 5 से विभाजित किया गया है, 3 की पावर 19 को डिवाइडेड बाई 5 किया गया है, फाइंड रिमाइंडर दोस्तों, फटाफट करते हैं दोस्तों, फटाफट करिए, क्योंकि हमारे पास पेपर में भी टाइम नहीं होता और यहाँ भी हमें अगर फटाफट करना है, और 2 सेकंड का आपसे वादा किया है तो 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 आया, ये आ गया भागफल अपना दोस्तों, ये भागफल आ गया, सीधा सीधा शेषफल कितना आ जाएगा, भागफल आ गया ये, तो शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 चौक 16 3 शेषफल आ गया दोस्तों, रिमाइंडर आ गया अपना 3, अब पावर कितनी रह गई, 3 की पावर अब 3 रह गई है, इसको 5 से डिवाइड करना है दोस्तों, 3 की पावर 3 होता है 27, 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 25, ये हो गया भागफल, और हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है दोस्तों, तो +2 शेषफल, +2 मैंने इसलिए किया कि 25 + 2 है अपना जो फॉर्मूला था जो पहले वाला उसी से है, ये अपन मानते थे, ये अपन डिवाइडेड मानते थे, जिस डिवीजर मानते थे जिससे अपन डिवाइड करते थे, ये 5 है, 5 से डिवाइड किया है, 25 + 2 = 27 आ गया अपना नंबर, ठीक है दोस्तों, वही मैंने बोला था आपसे कि बेसिक चलेंगे लेके अपन, ठीक है दोस्तों, फटाफट आ गया अपना 2 सेकंड में अपना आंसर आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 2, 2 इसका शेषफल हो जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको ट्रिक्स लाया हूँ, बहुत सारा कलेक्शन है इसका, बहुत सारा कलेक्शन है, ये फर्स्ट है अपने पास, और इसके अपन इजीली क्वेश्चन करेंगे, मैं आपसे बोला था कि अपन देखते ही आंसर देने वाले हैं, तो देखिए अपन किस तरीके से आंसर देते हैं, इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे फटाफट अपन, कि जिस मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर ए की पावर एन, ए कोई भी नंबर होगा दोस्तों, ए कोई भी पूर्ण नंबर हो सकता है, पूर्ण नंबर ए होगा, ए की पावर एन हो, एन 0, 1, 2, 3 एंड सोन तक चलेगा, एन 0, 1, 2, 3 एंड सोन तक चलेगा, जो भी है कितना भी हो, जी एन की वैल्यू कितनी भी होनी चाहिए, जितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले के लिए, ए की पावर एन अपॉन ए प्लस वन, अगर ये वाला फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, ध्यान देना मेरी बात पे दोस्तों, मैं एक एक चीज को आपको ढंग से बताने वाला हूं, ए की पावर एन अपॉन ए प्लस वन आपको फॉर्मेट मिल गया, अगर एन, अब इसमें सबसे पहले अगर ऐसा फॉर्मेट मिल गया जिस तरीके से आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में, 19 की पावर 152 अपॉन 20 देख रहा है आपको, ए अपॉन ए प्लस वन, यहां पे ए क्या है 19, ओके सबसे पहले अपन देखेंगे, अगर ऐसा फॉर्मेट अपन को मिल गया क्वेश्चंस में, सबसे पहले अपन देखेंगे ए बराबर क्या है 19, सबसे पहले क्या देखेंगे ए बराबर है 19, मैं आपको इसको बेसिक से भी करके बताऊंगा, जो अपन आगे पहले वाले क्वेश्चंस में अपन ट्रिक्स कर रहे थे उस तरीके से बताऊंगा, पहले आप इससे समझिए जिससे आप देखते ही आप आंसर दे सकें 2-2 सेकंड में, जिस तरीके से मैंने आपको वादा किया था रिमाइंडर्स का, 152 की एन बराबर कितना है अपने पास 152, ओके दोस्तों अब इसका आंसर देना है अपन को,
इस तरीके के फॉर्मेट दिखते ही a की पावर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, a की पावर n अपॉन a प्लस वन, इस तरीके का अगर फॉर्मेट आपको दिखे और अगर n इवन हो, ये किस पे बेस है, n इवन हो तो शेषफल हमेशा एक आएगा, आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे n क्या है, इवन है, दिख रहा है 152 है, इवन है, शेषफल आ जाएगा एक, आंसर इसका आ जाएगा एक, सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हैं, इसका वन आंसर, इसका आंसर एक आ जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा आप इसका वन आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन में देख के। दो मिनट का, दो सेकंड का काम है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया ना कि दो सेकंड का काम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा अगर डिवाइड करने बैठ गया, अगर मैं इसको ट्रिकी मेथड से ना करें कि 19 की पावर 152 करने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर इस तरीके से लेके गए। मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूँ अभी, जैसे अपन करते थे 152 पावर है, किसी की पावर हो, मैंने बोला था किसी की पावर हो और किसी से भी डिवाइड करना हो। देखिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बेसिक मेथड से, दोबारा से बताने जा रहा हूँ आपको किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को और ईजिली कर सकते हैं, अगर आप इस ट्रिक को भूल जाएं, वैसे मैं कहूँगा आप इनको याद कर लें तो दो दो सेकंड में आंसर आने वाले हैं आपके। फिर भी देखिए 152 को अपन, मैंने कहा था कि पावर को अपन को चार से डिवाइड करना है, चाहे किसी भी नंबर की पावर हो और किसी से भी डिवाइड करना हो। देखिए दोस्तों 152 को अपन चार से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 कैरी आया, 3 32 हो गया, तो 4 8 32 रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर कितना आया, ये तो भागफल है अपना, आपको दिख सकता है, आप डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर 0 आया है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैंने बोला किसी की भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, किसी का भी रिमाइंडर आ गया तो अब अपन को क्या लिखना है, फॉर्मेट अपना क्या बन जाता है पहले वाली ट्रिक से, 19 की पावर 0 अपॉन 20, यही तो फॉर्मेट बनता दोस्तों, यही तो फॉर्मेट बनता 19 की पावर, और किसी की पावर 0 हो वो 1 होता है, ठीक है, किसी की पावर 0 हो वो 1 होता है। और मैंने आपसे बोला था दोस्तों कि अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से डिविजिबल नहीं है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से डिविजिबल नहीं है, जो ऊपर जो चीज होती है वही उसका शेषफल होता है दोस्तों, एक इसका शेषफल आ जाएगा, जो कि हमने ट्रिक से 2 सेकंड में फाइंड किया था दोस्तों, बहुत ही आसान है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये समझ में आया है तो मैं आगे आगे बहुत सारी ट्रिक्स लाने वाला हूँ आपको, और आगे इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये नंबर देखिए आप, दिखने में बहुत ही खतरनाक है तो क्वेश्चन करने की कौन सोचेगा, लेकिन अपन इसको 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा ए बराबर, इसका आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 19। देखिए दोस्तों 1 सेकंड लगा ना, क्वेश्चन देखा आंसर दे दिया, क्वेश्चन देखा आंसर दे दिया, मैंने बोला 2 सेकंड का, 2 सेकंड में नहीं लगेंगे दोस्तों। देखिए 19 इसका आंसर आएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है अपन को इसको, देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये फॉर्मेट दिख गया, ए की पावर एन अपॉन ए प्लस वन, आपको ये फॉर्मेट दिख गया है दोस्तों, देखिए इजिली दिख रहा है, और ए एन, एन की वैल्यू यहाँ इवन थी, मैंने आपको दो क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आपको तुरंत इजीली समझ में आ जाए, एन की वैल्यू यहाँ इवन थी तो अपन ने इस तरीके से सॉल्व किया, और इसका आंसर सीधा सीधा एक होता है, और मैंने आपको बेसिक से भी करके दिखाया। अगर एन की वैल्यू ऑड है दोस्तों, अगर एन की वैल्यू ऑड है, आप देखिए ये वैल्यू ऑड है, और इवन ऑड का कैसे पता लगता है, जो नए बंदे हैं जो अभी नई तैयारी स्टार्ट की है, इवन ऑड का वैल्यू इधर से पता लगता है, अगर यहाँ 7 है तो 7 ऑड नंबर है, लास्ट वैल्यू यूनिट डिजिट की बहुत वैल्यू है दोस्तों, इसका मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स लाने वाला हूँ आगे। इजीली देखिए ये ऑड नंबर है, एन ऑड आ गया तो इसका आंसर 19 आएगा, रिमाइंडर आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, और अगर इसको आप बेसिक से करना चाहते हैं तो मैं इसको बेसिक से करूंगा, इसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि नंबर भी काफी बड़ा है, बेसिक से टाइम लगता है, और जिस तरीके से मेरी ट्रिक है, जो मेरी बेसिक है, जो मैंने खुद ने बनाया था ट्रिक, उस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन अपन चेक करने वाले हैं इस तरीके, किस तरीके से इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए 9 8 4 7 6 6 7, अब मैंने बोला था पावर को 4 से डिवाइड करना है, ओके, तो 4 2 8 1, 4 4 16 बचे 2, 4 6 24, 4 1 4 3, 4 9 36, 4 1 4 2 आया, 4 6 24 3, रिमाइंडर आ गया अपना 3 दोस्तों, रिमाइंडर आ गया 3। इस पूरे का क्या हुआ बताइए, इस पूरे नंबर का क्या हुआ हाल कि रिमाइंडर आ गया अपने पास 3, रिमाइंडर 3 आ गया, मैंने बोला था जो रिमाइंडर होगा वही इसकी पावर हो जाएगी लास्ट में, अब 19 की पावर 3 अपना, बस इतना सा सिमट गया है क्वेश्चन, और 19 की पावर 3 होता है अपना 6859 को अपन 20 से डिवाइड करेंगे तो अपना शेषफल क्या आने वाला है, फिर से चेक कर लीजिए दोस्तों, शेषफल आने वाला है अपना, 2 से इसको काटा मैंने, 20 से इसको काटूंगा तो इसका शेषफल आएगा 19।
देखिए दोस्तों, अब 19 का क्यूब होता है 6859, इजीली पता है क्योंकि क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, और मैं बता रहा हूँ इसका कोई ब्रह्मास्त्र नहीं होता है कि क्यूब अपन इजीली टिप्स पे मतलब ट्रिक्स से कोई याद हो जाए। क्यूब निकाल सकते हैं, टाइम लगता है, लेकिन टिप्स पे करने पड़ेंगे। अगर आपको SSC 2017 और बैंक PO बनना है तो आपको सब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, और हम आपके साथ रहेंगे हर कदम पे। अब इसको आप 20 से डिवाइड करिए। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको इतने से में करके दे दिया है, इसको अपन डिवाइड करने पर अपना फटाफट आने वाला है, क्योंकि 342 अपना भागफल आ जाएगा। 6859 को 20 से डिवाइड करने पर 342 अपना आ जाएगा भागफल, और 19 अपना शेषफल। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी क्वेश्चंस को हमने इजीली एक एक सेकंड में सॉल्व किया। मैंने जिस तरीके से आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक एक सेकंड में, दो दो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैंने अपना वादा पूरा किया है दोस्तों। अब आप मेहनत करिए और हमें सिलेक्शन लेके दिखाइए। देखिए दोस्तों इजीली मैंने कर दिया है, और मैंने बेसिक मेथड से भी आपको समझा दिया है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द सेकंड ट्रिक। ओके फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत सारी ट्रिकें हैं, और ये इस सेशन का अपना लास्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। अगले सेशन में और अच्छे क्वेश्चंस रिमाइंडर के और अच्छी ट्रिक्स हैं मैं आपको देने वाला हूँ। तो अपन इस क्वेश्चंस पे चलते हैं कि अब ये फॉर्मेट क्या है, इसमें सबसे आपको मेन मोटिव क्या रखना है, अपना क्वेश्चंस को समझना है रिमाइंडर का। मैं आपसे पहले भी बोला था कि एक एक दो दो सेकेंड में आंसर दोगे। फ्रेंड्स देखिए इजीली हम किस तरीके से किसी भी नंबर का, किसी भी फॉर्मेट का रिमाइंडर निकालेंगे दोस्तों। देखिए a की पावर n अपॉन a माइनस वन में अगर कोई फॉर्मेट है, जैसे 5 की पावर n, n यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, n का n कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि n का हमने कंडीशन ही नहीं लिया है इसमें। अगर आपको कोई डराए n से, जैसे मैंने n यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे 347 लिया है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि n का कोई अपने इसमें कोई रोल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं कि अगर ये फॉर्मेट दिख जाए आपको a की पावर n अपॉन a माइनस वन, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं इस तरीके के क्वेश्चंस डिफरेंशिएट करने के लिए देता हूँ कि आप इस फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन कर सकें कि अगर n 2 हो गया या 347 हो गया तो अपन किस तरीके से अपने आंसर तक पहुँचेंगे, किस तरीके से हम एग्जाम में पहचानेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा SSC में, CDS के एग्जाम में। ये नंबर सिस्टम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और जो मैं आगे आपका सेशन लेने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आप दो दो सेकंड में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें अपन जानते हैं 5, इसका आंसर तो अपन जानते ही हैं, एक आएगा हमेशा, इसका आंसर हमेशा एक आएगा बाई ट्रिक्स, क्योंकि अपन ने फॉर्मेट देख लिया। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि अब तो अपन जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 डिवाइडेड बाई 4, 6 इसका क्वोटिएंट हो गया, क्वोटिएंट हो गया इसका 6, ओके इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। ईजिली हमें पता है 1 होगा, क्योंकि हम ट्रिक इसकी जानते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 होगा, हमें पता है। लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया दोस्तों, आप इसको इस टाइप की क्वेश्चंस की फॉर्मेट के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी ले सकते हैं। आज आप इस पर प्रैक्टिस करिए, 1 घंटे प्रैक्टिस करिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में, मैं आपको दावा करता हूँ। जो मैंने आपको पावर डिवाइडेड वाली 4 ट्रिक बताई है, मैं वो यूनिट डिजिट्स में भी आपको लेके आने वाला हूँ वो ट्रिक, और आप देखना कि यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, 5 × 347 करने पर इसका आंसर अपन को पता है 1 इसका आंसर आने वाला है बाई दिस ट्रिक, ओके। क्योंकि n कुछ भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, n का कोई लेना देना नहीं है इसमें, n कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फ्रेंड्स, इसका आने वाला है, इसका मैं सॉल्व कैसे करूंगा, मुझे पता है पावर को हमें कम करना है, पावर को मैं कम कैसे करता हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने कैसे किया है, 347/4, 4×8=32, 2 कैरी आया, 4×6=24, 3 रिमाइंडर आया फ्रेंड्स मेरा, ये तो मेरा भागफल है, 86 मेरा भागफल है, तो रिमाइंडर कितना आया मेरा, 3 मेरा रिमाइंडर है दोस्तों, 3 मेरा रिमाइंडर है, तो 5 की घात 3 हो गया। अब अपना खेल क्या हो गया, 5³/4, ओके फ्रेंड्स देखिए 125/4, 4 × 3=12, 4 × 1=4, 31 × 4=124 होता है दोस्तों, सीधा सा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल आ गया अपना 1, शेषफल कितना आ गया दोस्तों 1,
इजिली और हम इसका फॉर्मेट समझ जाते तो आसानी से निकाल लेते। दोस्तों मैंने आपको दो तरीके बताए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। और ये जो पावर का डिवाइडेड बाई फोर वाली ट्रिक है ये हमारे इतने सारे क्वेश्चंस में हेल्प करने वाली है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। और नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, इन सब में मैं इसी ट्रिक से आपको यूनिट डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन ये सब कराने वाला हूँ दोस्तों। प्लीज बी ट्यून विद मी एंड इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को शेयर हो सके और सबके पास आसानी से पहुंच सके। और जो मैं कल कंटेंट लेने वाला हूं उसके लिए आप मेरे को मोटिवेशन दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैं कल और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आने वाला हूं। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल wifistudy.com एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।